Good morning, everyone. Hope so that you all are fine at your house. So in our previous video, we have discussed about some of the Vedas and also about the Indo-Aryans. So now we are going to start with our periods, like the Vedic period, which we have divided into two portions, early Vedic period and later Vedic period. So today we will discuss about both Vedic periods, and we will be able to know that what was there in early Vedic period and what was there in the later Vedic period. So let's start. We are starting with the early Vedic period. The Rig Veda is the source that provides most of the information regarding the early Vedic period. मतलब कि जो ऋग वेदा है वो हमें सबसे ज्यादा information देता है regarding our early Vedic period. Political life. The early Vedic society consists of many different tribes called Janas. मतलब कि क्या होता है कि उस टाइम पर जो थी अर्ली वैदिक पीरियड में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब्स थे जिसका नाम था जानास. ईच ट्राइब्स हैज इट्स ओन रूलर कॉल्ड एज एन राजन. मतलब सारे ट्राइब का एक एक ना एक तो रूलर होता ही है, जैसे कि एज यू कैन से हेड, तो जिसे कहते हैं राजन. He was usually elected as an Rajan because of his bravery and ability to lead his tribe in wars and raids. मतलब कि अगर कोई भी राजन सिलेक्ट होता है तो वो उनकी ब्रेवरी के ऊपर सिलेक्ट होता है और उनकी जो एबिलिटीज होती है कि वॉर के टाइम पर उन्होंने कैसे रिएक्ट किया, कैसे उन्होंने फाइट बैक किया, और बाकी के उस टाइम पर जब डिफिकल्ट टाइम्स होते हैं उस टाइम पर वो जैसे रिएक्ट करता है उस पर से वो उनके राजन को सिलेक्ट करते थे. So the position of the Rajan was not hereditary. मतलब कि ऐसा नहीं कि चलो मान लो कि जो अभी राजन है वो अगर मर गया तो उसके बेटे को ही मिलेगा, अगर वो लायक है या नहीं पर उसके बेटे को ही मिलेगा, ऐसा नहीं होता था. यहाँ पर ये सब ये बदलते रहते थे राजन उनकी एबिलिटीज पे. ऋग वैदिक राजन्स डिड नॉट कलेक्ट टैक्स. वो टैक्स को कलेक्ट नहीं करते थे. दे मैनेज विद एन वॉलेंटरी contributions like barley made by the members of the tribes. वो लोग voluntarily ही पैसे दे देते थे, उन्हें टैक्स कलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती थी. voluntarily ही वो लोग उन्हें दे देते थे कि इतना हमें देना चाहिए. made by the members of the tribes. tribes के members उसे select करते थे और voluntarily ही मतलब कि खुद की तरीके से ही वो दे देते थे जिसे कहते थे barley. The Rajan took decisions in consulting with the Sabhas and Samitis. वो सभा और समिति में सारे decisions लेता था, लेकिन वो सब के साथ मतलब discuss करते थे, उसके साथ में मिलजुल कर लेते थे. और वुमेन्स कुड ऑल्सो अटेंड दी सभाज. मतलब कि ये बहुत अच्छी चीज़ है कि वुमेन्स भी सभा को अटेंड कर सकती है. ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है कि वुमेन्स को वो कम नहीं समझते थे, और प्लस वो राजन जो था वो अपनी एबिलिटी पे अपनी ब्रेवरी पे सिलेक्ट होता था. मीन्स दिस टू वेर रियली वेरी गुड थिंग ऑफ द अर्ली वैदिक पीरियड. एंड द थर्ड वन वॉज ऑल्सो कि वो टैक्स को कलेक्ट नहीं करते थे, लेकिन बहुत सारी जगह पर ऐसा होता था कि वो आएगा आपके पढ़ने में कि टैक्स अगर नहीं देते थे तो उन्हें मारते थे, और ऐसे भी बहुत सारे अत्याचार होते थे. In addition to the Rajan, priests and Purohits were regarded more important than the rest of the tribes or the Janas. मतलब कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसे दिया जाता था? Rajans, priests और Purohits. उन सबको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था बाकी आम लोगों से. They helped the Rajan and the common people of the tribe in all ritual matters. वो सारे अपने रित परंपराओं में सब में ये लोग हेल्प करते थे उनकी. और the सेनानी मतलब जो सेना को हेल्प करता है, उनकी मिलिट्री कंपेनियंस वो भी थे राजन के पास कि वॉर में उनकी हेल्प करते थे. उन लोगों की इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी? दो दे प्रैक्टिस एग्रीकल्चर कैटल रियरिंग सीम्स टू हैव बीन एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन. द मेन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स वेर वीट, बार्ली एंड कॉटन. वो लोग उस टाइम पर एग्रीकल्चर और कैटल रियरिंग को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, और वो उनका इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन भी था. वो मोस्ट प्रोबेबली ग्रो करते थे वीट, बार्ली एंड कॉटन. The early Vedic people kept herds, often domesticated cows, bulls, oxen, horses, sheep, goats and dogs. Cows was considered precious and the main form of the wealth. उस टाइम पर क्या था कि वो लोग सबसे ज्यादा रखते थे काउ, बुल, ऑक्सन और शिप, गोट एंड डॉग्स. लेकिन वो काउ को सबसे ज्यादा प्रेशियस मानते थे, और वो उनका एक फॉर्म ऑफ वेल्थ था कि क्या अगर आप मानोगे देखोगे कि पैसे वाला कौन है, तो जिनके पास घर पे गायें होती थी, काउस होती थी, वो ज्यादा पैसे वाला था.
The Rig Veda mentions potteries, weavers, carpenters, trainers, different types of the smiths, chariot makers and jewelries, and chariot makers have the high values in the सोसाइटी. मतलब कि ये सारे दूसरे काम करने वाले भी उस टाइम पर हुआ करते थे. मूविंग टू द सोशल लाइफ, इनिशियली निक्षिप्त. व्हाट डू यू मीन बाय निक्षिप्त? मतलब कि अपने घर में सेम फैमिली में रिलेशन होना या ब्लड रिलेशन होना या मैरिज का जो रिलेशन होना है वो वॉज बेस्ड ऑन द सोशल स्ट्रक्चर. कि अगर कोई मैन प्राइमरी लॉयल है अपनी ट्राइब को लेकर या अपने जनस को लेकर, तो सोसाइटी जो है वो स्पेशली अपने ट्राइब्स को और उनको बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं रखती थी अपने मेंबर्स के अंदर, और वो अंदर अंदर ही शादियाँ ज़्यादातर करते थे, दूसरे ट्राइब्स में नहीं जाते थे. सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू द थ्री मेन ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स. उनमें तीन मेन ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स थे, वॉरियर्स, शिफ्टेंस एंड प्रिस्ट और द कॉमन पीपल. ठीक है, तो सबसे पहला था द फर्स्ट टू वेर प्रिविलेज ग्रुप्स. बहुत ज़्यादा मान मिलता था उन्हें, वॉरियर्स और शिफ्टेंस को. इन द बिगिनिंग द मेम्बर ऑफ द सेम फैमिली कुड फॉलो द डिफरेंट ऑक्यूपेशन. पहले के टाइम पर ऐसा था कि आप अगर एक फैमिली में रहते हो तो आप अलग अलग ऑक्यूपेशन को फॉलो कर सकते हो, देर इज नो बिग डील. आप अलग अलग ऑक्यूपेशन में फैमिली के मेम्बर्स जा सकते हैं. दिस वॉज क्वाइट क्लियर फ्रॉम वन ऑफ द हिम्स ऑफ द ऋग वेदा, जिसमें बोला गया था कि I am a poet, my father is a physician and my mother is an grinder of corn. जिससे पता चलता है कि जो author है वो poet है, उनके papa physician है और उनकी mummy जो है वो corn के grinder में जाती है. Which proves कि सब लोग अलग अलग occupation कर रहे हैं. The basis of the early Vedic society was family, which was imperial. Means this का मतलब होता है कि father जो है वो family का head होता है और जिसे हम कहते हैं गृहपति. क्या कहते हैं? गृहपति. और मैरिज और फैमिली लाइफ जो थे वो बहुत ही ज़्यादा कंसिडर्ड स्केयर्ड थे. मीन्स मोनोगैमी जो थी वो वहाँ पर प्रैक्टिस करती थी कि आप एक टाइम पर एक ही इंसान को शादी करवा सकते हो. दी सोसाइटी को हमने चार डिस्टिंक कास्ट में डिवाइड किया था, और यू कैन से वर्नास के अंदर कि जिस जो डिवाइड किसके बेसिस पर किया था कि ऑन द स्किल्स ऑफ द पीपल, दैट हाउ वेर द पीपल्स स्किल. The first one was Brahmins or the priestly class. मतलब कि जो religious way में follow करते हैं ब्राह्मण है. दूसरे थे क्षत्रिय और you can say the kings or the warrior class, जो most probably लड़ाई करते थे, wars में participate करते थे, उन्हें हम कहते थे क्षत्रिय. पहला है ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय और तीसरा होगा वैष्णवस, वैष्णवस. तो जिसका मतलब है मर्चेंट्स थे, ट्रेडर्स थे और फार्मर्स थे, जो बिजनेसेस करते थे अपने और फार्मर्स भी थे. और थर्ड वन है शूद्रास, मतलब कि मैनुअल वर्कर्स, मतलब कि उन्हें थोड़ा सा लोअर कास्ट में काउंट किया गया था. देयर वेर ऑल्सो डायास और यू कैन से डायास हु वेर स्लेव्स, सर्वेंट्स और एनिमीज कैप्चर्ड. मतलब कि जो दाया होते थे उस टाइम पर या दायास दासास होते थे, वो लोग होते थे अपने स्लेव्स की तरह, सर्वेंट्स की तरह वर्क करते थे. चिल्ड्रंस वेर सेंट टू द गुरुकुल वेर दे लिव्ड एंड स्टडी विद देयर गुरुज एंड टीचर्स. वो बच्चों को गुरुकुल भेजते थे जहाँ पर वो रहते भी वहाँ पर थे अपने गुरुओं के साथ, और रहते भी वहाँ पर थे, खाते भी वहाँ पर थे और पढ़ते भी वहाँ पर थे. वो वहाँ पर रिलीजन, फिलोसॉफी, आर्ट, लॉजिक, मेदिक, ग्रामर, मॉरल कोड्स, सब चीज़ें वहाँ पर वो पढ़ते थे. पीपल इन दिस पीरियड एट ग्रेन्स, सीरियल्स, बार्ली, फ्रूट, वेजिटेबल्स और मीट. उस टाइम के लोग ये सारी चीज़ें खाते थे. दे वेर फॉन्ड ऑफ द डेयरी प्रोडक्ट्स सच एज मिल्क, घी एंड कॉटेज चीज. उस टाइम पर भी वो इन सारी चीज़ों के बहुत ज़्यादा फॉन्डेड थे. दे ऑल्सो कंज्यूम्ड सोमास एंड सूरास, यू कैन से इंटॉक्सिकेटेड ड्रिंक्स. कि फेस्टिवल ओकेशन होते थे एंड दे यूज टू ड्रिंक, यू कैन कॉल लाइक मदीरा टाइप का होता है ना, कि इंटॉक्सिक ड्रिंक्स होते हैं जिन्हें वो सोमास और सूरास कहते थे. सोमास जो थे वो हर्ब्स और प्लांट्स को मिलकर बनते थे, और ये जो सूरा था वो भी एक टाइप ऑफ लिक्योर था कि वो लोग पीते थे उनको, लाइक मदीरा टाइप. अगर आपने बहुत सुना होगा कि पहले कि आप कोई सीरियल्स या मूवीज या एक्ट देखते हो तो उसमें मदीरा आता है, कि बड़े बड़े राजा और उन लोगों का शौक होता है मदीरा और वो सब पीना. इट्स समवॉट लाइक दैट. अब बात आती है कि अर्ली वैदिक पीरियड के रिलीजन कैसा था. सो द डोमिनेंट मोड ऑफ द वर्शिपिंग द गॉड वॉज थ्रू द
recitation of the prayers and hymns and the performance of the sacrifice and yajnas. मतलब कि उस टाइम पर वो गॉड को मानते थे बाय सिंगिंग प्रेयर्स हाइम्स और वो सेक्रीफाइस करते थे और उनकी सेरेमनीज होती थी आग के आसपास प्रिस्ट जो थे वो सेक्रीफाइसल सेरेमनीज करते थे जिसे कहते थे याजनास याजनास जो थे वो परफॉर्म होते थे बाय द पीपल कि वो गॉड को प्लीज कर रहे हैं उन्हें मना रहे हैं कि वो उन पर अपने आशीर्वाद बरसाए उनकी जो ब्लेसिंग्स है वो उनके ऊपर बरसाए इसके लिए वो ये सारी चीज़ें करते थे. There were no temples nor were there any idols. उस टाइम पर कोई भी टेम्पल्स या मूर्त नहीं हुआ करती थी. People worshipped forms of the nature represented by Agni, the fire of God, Indra, the god of rain and thunder. मतलब उस टाइम पर कोई मूर्त नहीं थी लेकिन वो नेचर को ही गॉड मानकर उन्हें वर्शिप करते थे लाइक अग्नि जो फायर है इंद्र जो बरसात है बारिश है और थंडर है लाइटनिंग है वरुणा मीन्स की द विंड हवा उनको भी गॉड मानते थे गॉड ऑफ विंड सूर्य मीन्स अवर सन गॉड सूर्यदेव सोमा मीन्स द गॉड ऑफ प्लांट्स मतलब कि जो ये प्लांट्स हैं उनके गॉड पृथ्वी मतलब हमारी धरती माता यामा मतलब कि डेथ के गॉड यमराज जो हम बोलते हैं वो और लास्ट में है उषा मतलब कि जब ये ढलता सूरज होता है ना डॉन शाम उन्हें कहते हैं सामा सॉरी उषा उन्हें भी वो वर्शिप करते थे. रिक्रिएशन नाउ व्हाट इज रिक्रिएशन लेट्स हैव अ लुक अबाउट द रिक्रिएशन चैरियट रेसिंग हॉर्स रेसिंग और हंटिंग वो भी उस टाइम पर लोगों का बहुत ही ज़्यादा पीपल का फेवरेट होता था कि वो ऐसी एक्टिविटीज़ भी करते थे वो डाइस डांस और म्यूज़िक को भी वो लोग उस टाइम पर एंजॉय करते थे. सो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि अर्ली वैदिक पीरियड जो था वो बहुत ही ज़्यादा कूल पीरियड था बहुत ही ज़्यादा एडवांस पीरियड था जिसके अंदर वुमेन्स को भी सभा में आने देते थे अपने खुद के राजन को इलेक्ट करते थे बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रुप को डिवाइड किया गया था लाइक ब्राह्मण क्षत्रिय वैष्णव और वो लोग ग्रो करते थे मर्चेंट्स थे मदिराज होते थे उनके पास वो रिलीजन्स को अच्छे से फॉलो करते थे नेचर को गॉड मानते थे वो ऐसे हॉर्स रेसिंग्स और हंटिंग्स भी करते थे डाइस और डांस को भी करते थे. इन शॉर्ट वी कैन से दैट द अर्ली वैदिक पीरियड वाज अ वेरी गुड वैदिक पीरियड. नाउ वी विल मूव टू अवर लेटर वैदिक पीरियड. सो मैनी चेंजेस टू प्लेस फ्रॉम द अर्ली टू द लेटर वैदिक पीरियड मतलब हम लोगों को लगता है अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड में बहुत सारी सिमिलैरिटीज होगी बट नो यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस भी हैं. इट वॉज ड्यूरिंग दिस एज दैट द उपनिषद आर्यक्षत और ब्राह्मण्स आर द टू एपिक्स लाइक रामायण एंड महाभारत वेर प्रोड्यूस. अब जो हम सब जिससे फैमिलियर है रामायण एंड महाभारत वो इस पीरियड में प्रोड्यूस हुए थे. हाउ वेयर कैसे ये लोग रहते थे क्या करते थे उनकी सोशल लाइफ रिलीजियस लाइफ इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लाइफ और उनके आश्रम्स इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर. Moving to the political life, in the later Vedic period, the position of the king became more powerful. अभी क्या हो गया कि later Vedic period में king की position थी वो बहुत ज़्यादा powerful हो गई. His office became hereditary. अब क्या हो गया ये यहाँ पर change आया बड़ा कि early Vedic period में लोगों की जो राजन की position थी वो Vedic मतलब hereditary नहीं थी यहाँ पे hereditary हो गई. राजा का बेटा अगर उस position के लिए लायक है भी या नहीं भी है पर वही बनेगा अगला राजा. वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम द विश जो थी वो एक ट्राइब का पीपल था वेयर नाउ फोर्सिबली कलेक्टेड. पहले जो वो लोग वॉलेंटरी देते थे अपने पैसे राजा को अब वो हो गया कि वो फोर्सफुली छीन कर ले लेते थे. बट देयर वॉज स्टिल नो स्टैंडिंग आर्मीज फिर भी उनके पास कोई ऐसी आर्मीज नहीं थी उनके बचाव के लिए. द किंग्स इन्फ्लुएंस वेयर फर्दर स्ट्रेंथन बाय द रिचुअल्स ही परफॉर्म्ड सेवरल पब्लिक इंपॉर्टेंट सेक्रीफाइसेस इंक्लूडिंग अश्वमेघ राजसूया एंड वज्रपेदा टू डेमोन्स्ट्रेट हिज इंक्रीजिंग पावर एंड प्रेस्टीज. अभी क्या हो रहा था कि वो राजा को सबसे ज़्यादा महत्व देते थे राजा जो थे वो सबसे ज़्यादा अपनी स्ट्रेंथ को स्ट्रेंथन करने में काम करते थे वो बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस करते थे और इससे क्या होता था कि उनके पावर और प्रेस्टीज को ज़्यादा मान मिलता था.
Economic life. During the later Vedic period, the main occupation of the people was agriculture. उन लोगों का main occupation क्या था? Agriculture. This period is also marked as a discovery of iron. इस time पर iron की discovery हुई. Iron tools were been implemented and began to increasingly used. उनका use भी ज़्यादा होने लगा था. People during this period used painted graveware. वो क्या यूज़ करते थे? पेंटेड ग्रे वे को यूज़ करते थे, जिसका मैं आपको इमेज भी दिखाऊंगी इन अवर ऑनलाइन क्लास. द नंबर ऑफ दी साइट्स हैव बीन एक्सकवेटेड सच एज एन हस्तिनापुर, कौशुम्बी एंड अतरंगजी खीरा इन उत्तर प्रदेश. इन सब के बारे में, आपने हस्तिनापुर के बारे में तो श्योरली सुना ही सुना होगा. There were frequent references to the later Vedic texts, like the variety of the crops were being added, like rice, जिसे कहते थे वो लोग विरही, और new agriculture tools और equipments भी उस time पर develop होते जा रहे थे. So it was a positive point of this. And the later Vedic period saw a further increase in the craft and craft specialism. मतलब धीरे धीरे वो लोग craft और craft specialist बनते जा रहे थे. Social life. By the later Vedic period, the occupation performed by the different group had been fixed. अभी क्या हो रहा था कि उन लोगों के occupations fix हो चुके थे, कि social groups जो थे वो ज़्यादा rigid होते गए थे, जो नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो होते जा रहे थे. जैसे कि मैं अगर आपको समझाऊँ कि एक ब्राह्मण का जो son है, उसे ब्राह्मण ही बनना है, वो दूसरे कोई भी चीज़ नहीं कर सकता है, क्योंकि ब्राह्मण के son बनेगा ब्राह्मण. जैसे कि हमारे अर्ली वैदिक में क्या था कि एक फैमिली के लोग, उन्हें जो भी फॉलो करना है ऑक्यूपेशन वो फॉलो कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर रिजिड होता गया था, नैरो होता गया था कि ब्राह्मण का सन ब्राह्मण ही बनेगा. मूविंग फर्दर द रिलीजियस लाइफ इन लेटर वैदिक पीरियड मैनी चेंजेस टुक प्लेस इन द रिलीजियस प्रैक्टिस लाइक प्रजापति द क्रिएटर विष्णु द प्रिजर्वर. प्रजापति कौन थे? द क्रिएटर विष्णु, मतलब कि द प्रिजर्वर्स. रुद्र और शिवा यू कैन से, मतलब कि डिस्ट्रॉयर्स. ये सारे उनके वो एमर्ज हुए लाइक एन ऑल पावरफुल डाइटीज थ्रू द वर्शिप. वो क्या करते थे कि वो सेक्रीफाइस करते थे पीपल का, और पीपल ऑलरेडी आस्क कि वो सेक्रीफाइस किसका करेंगे? बच्चों का, केटल्स का, फूड का, वेल्थ का, हेल्थ का. This was really becoming an vulnerable day by day. Four ashramas. According to the religious text, life was divided into the four stages, or you can say ashramas. Life को उन्होंने चार stages में divide किया. The different duties were assigned to each of this. सब लोगों को different duties assign की गई. The four ashramas were like brahmacharya. सबसे पहले ब्रह्मचार्य, मतलब कि स्टूडेंट की लाइफ जिसमें आप अभी ऑलरेडी हो. गृहस्थता, मतलब कि अपनी हाउस होल्ड लाइफ, मतलब कि बड़े होकर घर में काम करना, वो हाउस होल्ड लाइफ है. वनस्पस्त्रा, मतलब कि लाइफ ऑफ हर्मिट, मतलब कि हर्बल चीजें खाने की लाइफ. एंड फाइनली वॉज एन संन्यासा, और यू कैन से कि जिसमें आप वर्ल्ड से दूर चले जाते हो, कि वर्ल्ड से आपका कोई लेना देना ही नहीं है, समझ रहे हो. और यहाँ पे हमें चार इमेजेस दिखाए गए. द वेरियस कास्ट एज एन डिफाइज्ड इन द 72 स्पेसिमेन ऑफ द कास्ट इन इंडिया, जो मैन्यूस्क्रिप्ट 19 सेंचुरी में दी गई थी. उसके बाद हमें दिया गया है केस स्टडी, जिसके अंदर हमें दिया गया है मेगालिथिक कल्चरल इन इंडिया. तो अगर हम केस स्टडी ऑफ डेक्कन की करते हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ नॉर्मल वे में क्या था इसमें, कि अप्रोक्सीमेटली अगर टाइम की बात करें हम लोग, तो उस टाइम पर वो लोग ऋग्वेदा में हिम्स बनाते थे, बहुत ही ज़्यादा कैलियोलिथिक और मेगालिथिक कल्चरल्स उस टाइम पर फ्लोरिश हो रहे थे राजस्थान में, डेक्कन में, फिर कश्मीर में और साउथ इंडिया में, ये सारे कल्चर्स फ्लोरिश हो रहे थे. और जो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन कल्चर्स की कलेक्ट करते थे, उन्हें हम कहते थे मेगालिथ्स. आप ये चीज़ याद रखना कि जो इंफॉर्मेशन गैदर करता है कल्चर के बारे में, जिसे हम कहते हैं मेगालिथ्स.
मेगालिथ्स जो थे बहुत ही ज्यादा लार्ज स्टोन स्ट्रक्चर्स थे और उसके अंदर बहुत सारे स्टैंडिंग स्टोन्स थे और ऐसा माना जाता था कि वो एक रिलीजियस सिग्निफिकेंस है। बहुत बार वो इरेक्ट किए जाते थे एट एम्ब्रूरियल साइट्स और हीरोइक डीड्स किए गए होते हैं कि कोई बहुत ही बड़ा कोई इंसान मर गया है अपने वतन को या अपने ट्राइब को बचाते बचाते, तो वहाँ पे होता था। द टर्म मेगालिथ वो जिसका मतलब होता है लार्ज स्टोन और वो एक ग्रीक वर्ड में से आया, मेगा मतलब की ग्रेट और लिथोस मतलब की स्टोन। मेगालिथ के मॉन्यूमेंट्स जो थे वो बहुत ही बड़े बड़े स्टोन से बने गए होते थे और पूरे इंडिया में पाए गए थे, कश्मीर नॉर्थ से लेकर तमिलनाडु साउथ तक सब जगह पर वो पाए जाते थे और पर्टिकुलरली लाइक स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु एंड कर्नाटक और केरला में बहुत ज़्यादा थे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेगालिक साइट्स जो साउथ में थी वो थी टकलगढ़ इन कापा, महुरजहरी एंड नैकुंठ इन विदर्भा। ये भी एक वैदिक साइट है केरला की, आपको इमेज में दिखाई गई है। फिर है ब्रह्मगिरी एंड चंद्रवैली एंड जैदिगेंही इन कर्नाटका, नगार्जुन कोंडा इन आंध्र प्रदेश, अदीना चुल्लार एंड अमृता मंगलम एंड सरूर इन तमिलनाडु एंड पोकलम एंड केरला। नीचे भी हमें एक दिखाया गया है ब्रह्मगिरी मेगालिथ ब्रूरल साइट्स, वो ऐसे ब्रूरल करते थे उनका। द जनरल टाइम स्पेंड जो था मेगालिथ रेंजेस का वो था फ्रॉम 1000 BCE से 3000 सेंचुरी ऑफ CE और मेगालिथ बिल्डर्स जो थे उन लोगों ने अपने पीछे कोई भी बुक या टेक्स्ट नहीं छोड़ा है। हमें जो ये पिक्चर्स मिले हैं वो हमें रियली मतलब आर्कियोलॉजिस्ट ने साइट्स को एक्सकवेट करके इनके इमेजेस को ढूंढा है और उन्होंने ऐसा मतलब हम लोग बिलीव कर सकते हैं कि ऐसा हुआ होगा दैट दे वुड हैव यूज्ड आयरन इम्प्लीमेंट्स एंड टूल्स और उन लोगों को एग्रीकल्चर के बारे में भी पता होगा, लाइक वो बैरली मिलेट्स ग्राम्स और लेंटल्स को ग्रो करते होंगे और वो लोग हंटिंग और फिशिंग भी करते होंगे और उन लोगों का ट्रेडिशंस भी होंगे वेल डेवलप्ड लाइक पोएट्री, क्योंकि उन लोगों की जो ग्रेव्स थी कि मर जाते उसके बाद जो होते थे वहाँ पर पोएट्री पाई जाती थी, तो हमें लगता है कि पोएट्री बीट कॉपर्स ब्रोंज और उन सब से वो लोग वाकिफ होंगे, वो लोग उनका यूज करते होंगे। एंड व्हाट दे यूज टू डू इज कि बरीड जो मर जाता है उन्हें एक पिट में बरी करते थे और उनके ऊपर वो स्टोन से वो कंस्ट्रक्ट करते थे अपनी पूरी ब्रूटल साइट्स और उन पर वो लिखते थे कि बहुत सारी ग्रेव्स जो थी वो सिर्फ एक ही पर्सन के लिए बनाई गई थी और उन पर वो लिखा जाता था कि इन लोगों ने इतना महान काम किया इसलिए उनके लिए ये बनाया गया है। और उन लोगों में सोशल डिफरेंसेस भी बहुत सारे थे, लाइक ब्राह्मीगिरी जो थी वो वहाँ पर एक स्केलेटन पाया गया था जिसके अंदर गोल्ड था। नाउ आर यू अंडरस्टैंडिंग, गोल्ड था, कॉपर बैंगल्स थी, स्टोन के बीड्स भी थे और बाकी सारी जगहों के स्केलेटन्स में ये नहीं पाया गया था। सो बन सकता है कि थोड़ी थोड़ी अलग अलग चीज़ें हो सब जगह की। नाउ हम एक क्लोजर लुक देंगे एट एंड डेक्कन रूरल साइट्स। तो महाराष्ट्र के अंदर जैसे कि नागपुर के आसपास मेगालिथ पीपल जो थे उन लोगों को बरी किया जाता था और उन लोगों की अलग से एक सेरेमनी होती थी। वहाँ पर बड़े बड़े पत्थरों को एक ब्रूटल एरिया के आसपास रखा जाता था और फिर उसमें उन लोगों को बरी किया जाता था अंदर, उन जो मर गए हैं उनको, और जो पीपल जो मर गया है उन्हें वो घर के अंदर अपने ज़मीन पर रखते थे। चिल्ड्रंस को भी टू अर्न्स में बरीड किया जाता था जैसे कि माउथ टू माउथ और उन्हें ओरिजोंटली पिट में रखा जाता था और एडल्ट को सुपेन पोजिशन में किया जाता था। सुपेन मतलब कि ओरिजोंटली, बच्चों को भी ओरिजोंटली रखते थे और उनको भी ओरिजोंटली रखते थे कि नॉर्थ के साइड पर उनका हेड आता है। और इनेमोंगोन में जो चेलेक्लोथिक साइट्स थी वहाँ पर एडल्ट को बरी किया जाता था घर के अंदर ही और क्या करते थे हेड को नॉर्थ की तरफ रखते थे और उन्हें स्ट्रेट रखते थे। और पीपल इन जोवेर एंड इनेमोंगोन में वहाँ पर क्या करते थे सेम वे में होती थी लाइक अर्दर साउदर्न मेगालिथ बिल्डर्स। यहाँ पर हमें मैप दिया गया है जिसके अंदर हमें मेगालिथ साइट्स दी गई हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एक्सरसाइज इन अवर नेक्स्ट लेक्चर और यू कैन से द नेक्स्ट वीडियो। सो टिल दैट मच टाइम स्टे होम स्टे सेफ, गुड बाय, थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।